वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको रुमाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया हुआ 1.5 मीटर का, हम इसी से रुमाली फ्रॉक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये ब्रासो का हमने फैब्रिक 1.5 मीटर लिया है क्रीम कलर का, इसी से हम कटिंग करेंगे। और ये हमारा अस्तर है, जो कि अस्तर सिर्फ हमें ऊपर चोला में लगेगी, तो उसके लिए अब हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं। तो चलिए, इस टाइप से हम ले लिए, पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से पूरा ओपन हो गया, ये 1.5 मीटर का फैब्रिक है इस टाइप से। अब इसको हम डबल कर लेंगे, तो इस तरीके से हमने डबल कर लिया। यहाँ से इस तरीके से हमें तिरछा रखना है, इस तरीके से यहाँ से हमें रुमाल की तरह इस तरीके से मोड़ लेना है। तो ये हम मोड़ कर दिखाते हैं, तो ये हमने मोड़ लिया रुमाल की तरह। तो पहले हमें बिल्कुल सफाई से इसको रख के मोड़ लेना है फ्रेंड्स। इस तरीके से रुमाल की तरह करते हुए पहले हम इसको चौकोर कट कर लेंगे। तो यहाँ से मिस्ट्रा वाले को कट कर लेते हैं। तो चलिए, पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं, हमें रुमाल की तरह इसको निकालना होता है बिल्कुल चरखुट। तो ये हमने चौकोर कर लिया, ये एक्स्ट्रा वाला को हमने हटा लिया, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे कि ये बिल्कुल चौकोर कट चुका है। ये देखिए, ये कटने के बाद इस तरीके से पूरा बिल्कुल इस तरह रुमाल की तरह चरखुट होना चाहिए। आप जिस साइज का लेते हैं उस साइज का, तो ये बिल्कुल चरखुट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। तो चलिए, हम इसको अलग अलग करके दिखा देते हैं। बिल्कुल सफाई से इसको बिछा लेंगे। तो ये हमने बिल्कुल सफाई से बिछा लिया है। अब इसको हम यहां से कट कर लेंगे। ये हमारा चरखुट बन चुका है, ये देखिए, एक ये और एक ये, दोनों चौकोर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टाइप से रखते हुए इसको इसके बीच में एक हमें गोल करना है। तो वो गोल हम किस तरीके से करेंगे आप देख सकते हैं, इस तरीके से करके यहां से फिर इसको यहां से हमें करना है, और एक मार्किंग हमें बराबर करते हुए यहाँ पे लगा लेना है। तो ये हमारा बीच वाला सेंटर हो जाएगा। अब इसी में हमें गोली करना है गोल। तो फिर अब हम इसको ओपन करेंगे। तो ये हमने ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ गोल राउंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से चार चार इंच लेंगे और एक मार्किंग करेंगे। ये जो हमने लिया था बीच सेंटर, उसी से हमें सब तरफ से चार चार इंच पे लगा लेना है गोल राउंड। तो हम सब तरफ से चार चार इंच ले लेते हैं, ताकि हमारा गोलाई बिल्कुल फिनिशिंग से आए। तो फिर हम इधर से ले लेते हैं, सब साइड से लेना है हमें गोल गोल। इस टाइप से हम इधर से भी हमने ले लिया है इस टाइप से। तो अभी हम इसी के अंदर इस वाले प्लेट को रख लेंगे। तो ये हमने प्लेट को रख लिया है, अब इसमें हम गोलाई लगा लेंगे। तो इस चौक से हम लगा लेते हैं बिल्कुल
बराबर होगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। ये अब इसको हम कट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं। तो ये हमने डार्क कर लिया, अब इसको हम गोलाई निकालेंगे बीच से। तो निकालने के लिए हमें इस टाइप से पहले लेना है फैब्रिक को, सब तरफ से हमें बराबर कर लेना है कि हमारा एक भी पल्ला बड़ा छोटा नहीं हो, इस टाइप से। उसके बाद फिर इसको हमें चौकोर इस टाइप से रख लेना है। अब हमें ये वाला गोलाई को निकाल लेना है, सब साइड से हम पहले बराबर कर लेते हैं। इस टाइप से हम रख लिए हैं, अब इसका हम गोल वाला को निकाल देंगे। इस टाइप से हमने गोल निकाल लिया है, अब फिर दिखाते हैं। इस टाइप से ये निकलने के बाद बिल्कुल इस टाइप से गोल है, अब इसको हम बैठा लेते हैं। तो बैठाने के लिए हमें इसको ओपन करना होगा। तो इस टाइप से हमने जो गोल निकाला उसको हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए इसको हम बैठाते हैं कैसे। तो हमें एक पल्ला इस टाइप से रख लेना है, ये देखिए। तो एक पल्ला हमने इस टाइप से रख लिया है, अब हमें दूसरे पल्ले को तिरछा बैठाना है इस टाइप से, बिल्कुल सफाई से हमें इसको तिरछा बैठा लेना है। तब हमारा सब साइड से ये देखिए, तो इस टाइप से हमने रख लिया। इसको हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए दोनों, इस टाइप से। अब इसको हम कच्चे सिलाई लगा लेते हैं कि एक साइड हमारा ज्वाइंट रहे। इस टाइप से हमने एक बारीक सी सुई में धागा डाल लिया, ये देख सकते हैं। अब इसको हम स्टिचिंग कर लेते हैं, एक साथ हम इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले को, कि हमारा इधर उधर निकले नहीं। तो चलिए इसको हम इस टाइप से सुई से कच्चे सिलाई लगा लेते हैं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तब हमारा इधर उधर ये निकलेगा नहीं। तो ये देखिए हमने इसी टाइप से हमें सब तरफ से लगा लेना है। तो इस टाइप से हमने सब में कच्चा सिलाई लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। हमें एक साथ कच्चा सिलाई से अटैच कर लिए, अब हमें एक्स्ट्रा धागा को कट कर लेना है। कट हमने कर लिया, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। आप चाहे तो अब इसको देखिए हम पलट रहे हैं इस टाइप से, तो ये डिजाइनिंग बनकर सामने आएगी इस टाइप से। अब इसके हम चाहे तो नीचे पीको भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लगा कर लाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा, इस टाइप से रुमाली टाइप का आएगा बनकर। रख के हम साइड साइड से चारों में पाइपिंग लगा लिए इस साइड से, देखिए इस तरीके से। हम सब में क्रीम था तो रेड कलर का पाइपिंग लगा लिया है फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा लग रहा है पाइपिंग लगने के बाद। अब इसको हम यहाँ से इस टाइप से गोल पलट लेंगे, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पाइपिंग लगने के बाद भी, इस टाइप से ये फ्रॉक आएगा बनकर। तो अब चलिए हम इसके ऊपर के चोले की कटिंग कर लेते हैं, तो वो कटिंग करके दिखाते हैं कैसे कटिंग होगा। तो हम इसके ऊपर का कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, चोला का कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को ले लिया, ये इस तरीके से हम रख लेते हैं। साइड से जो निकला था वही फैब्रिक हमने लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से हमने रख लिया। अब इसका हम लंबाई देख लेते हैं, तो लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई हमें 14 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमने ले लिया, अब इसमें हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम कट करके हटा लेंगे, यहाँ से हम कट करके हटा लिए। अब इसको हम फोल्ड फोल्ड करेंगे,
तो इस टाइप से हमने फोर फोल्ड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। अब इसमें हमें गला रखना है, तो गला के लिए हम यहाँ से लेंगे 2.3 इंचेस, एक मार्क करेंगे, लंबाई लेंगे गला का 3 इंचेस। अब इसमें हम गोल ड्रॉ कर लेंगे, इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया। ये हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे आप सबको, ये गला हो गया। और यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे और यहाँ से अब हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से बिल्कुल हम बराबर रखेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से हमने बिल्कुल बराबर से रख लिया है। अब यहाँ से हम कट करेंगे। अब सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें एक ये फ्लावर जो है इस तरीके से बीच में लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरह अस्तर कट कर लेना है। तो वो कट करके दिखाती हूँ। अस्तर के लिए ये फैब्रिक हमने लिया। अब इसी फैब्रिक से हमें इस टाइप से इसको रख लेना है। अब इसके अस्तर की कटिंग हमें करनी है। तो चलिए अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से पहले हम रख लेंगे, इसके अंदर जो इनर लगेगी हम उसकी कटिंग करते हैं। तो सेम इसी तरह हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमने आगे पीछे का बराबर से रखते हुए कट कर लिया है। अब चलिए इसको हम स्टिच करके लाते हैं। तो इसको अब हम स्टिच कर लेंगे। तो हम चलिए इसको मशीन पे चलते हैं और स्टिचिंग करना दिखाते हैं, और बीच में इस फ्लावर को लगाएंगे। तो मशीन पे चलते हैं। तो ये हमने अस्तर रख लिया है। अब इसको हम आगे के साइड से नहीं, ये आगे का पल्ला है तो हम इसको पीछे साइड से रखेंगे। तो ये हमने पीछे साइड से रख लिया है, ये देखिए। अब इसको हम साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे गला पे। तो हम लगा लेते हैं इस टाइप से सिलाई। बिल्कुल बराबर से लगाना है। तो इस टाइप से हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने से पहले हमें छोटे छोटे कट कट लगा लेना है, क्योंकि हमें पलटने पे फिनिशिंग है। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम लेंगे और इस टाइप से करते हुए इसको आगे की तरफ पलट लेंगे। तो ये हमने पलट लिया है, ये देख सकते हैं। अब इसको हमें बैठा लेना है। तो ये हमने पलट लिया। अब इसके ऊपर एक एक सिलाई हम लगा लेते हैं। बाद कुछ इस टाइप से लग रहा है गला, ये देख सकते हैं, सिलाई भी लग चुका है इसके ऊपर। अब हमें इसमें टेकिन लगाना है। तो हम टेकिन कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स, चलिए अब हम टेकिन लगा कर दिखाते हैं इसमें कैसे लगानी है। तो टेकिन लगाने के लिए हमें इस टाइप से यहाँ से ये शोल्डर के बीचों बीच लेनी है। तो हम इस टाइप से ले ले रहे हैं और हमें हाफ हाफ इंच पकड़ के स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने हाफ हाफ इंच पकड़ के स्टिचिंग कर लिया। अब हम दोनों साइड उसी तरह टेकिंग लगा लेते हैं। तो इस टाइप से हमने दोनों जगह टेकिंग लगा लिया है। अब एक फ्लावर हम बीच में लगा लेते हैं। तो इसको हम चिपका लेते हैं फैब्रिक ग्लू से। तो चिपकाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले पीछे वाले पल्ले को भी सेम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पीछे वाले को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सेम फ्रंट वाली जैसे बैक वाले को भी रेडी कर लिया है, ये देखिए। अब इसका हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए हमें एक दूसरे पे रखना होता है। तो हमने इस तरीके से रख लिया। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम पलट कर सिलाई लगा लेंगे एक और।
तरफ का हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है, इसी तरह हम दूसरे साइड का कर लेते हैं। दोनों साइड की शोल्डर ज्वाइंट हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं आर्म होल को स्टिचिंग करेंगे। तो वो हम पट्टी लगाकर पलटेंगे। हमें पट्टी लगाने के लिए हम इससे कट करेंगे पूरे पट्टी, तो हम एक या डेढ़ इंच का कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब इसी से हमें इसमें पट्टी लगानी है। वो हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको लेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। वो सिलाई अब हम लगा रहे हैं। इसी तरीके से सब साइड से हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा को हमने कट कर लिया। अब इस पट्टी को हम पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से है, इसको हम ऐसे पलट लेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो वो सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल फैब्रिक को अंदर करते हुए तो हमने इस तरीके से इसके ऊपर पलट कर, ये देखिए ये पीछे का पट्टी है, इसके ऊपर हमने पलट कर सिलाई लगा लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे वाले में लगा लेते हैं। दोनों साइड के आर्म होल में ये पट्टियाँ लग गई है। अब इसको हम फिट करेंगे। तो हम फिट इस टाइप से रखते हुए कर लेंगे। तो चलिए अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग हम ऊपर के साइड से एक एक सिलाई लगाते हुए कर लेंगे। तो एक साइड का हमने फिटिंग कर लिया। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड का कर लेते हैं। साइड का फिटिंग करके इसको पलट लिया है। ये देखिए बॉट नेक कितना प्यारा लग रहा है। ये हमने बॉट नेक दिया है सेफ में इस टाइप से। अब इसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे नीचे वाले फ्रॉक में, तो वो ज्वाइंट करके दिखाते हैं। इसको अटैच कर लेते हैं। तो अटैच करने के लिए ये नीचे वाला हमने पल्ला ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसको इस टाइप से यहाँ पे हमें एक कट लगाना होगा। तो ये हमने कट एक यहाँ लगा दिया और एक कट हमने यहाँ लगा लिया। कट लगाने के बाद अभी इसमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो ये जहाँ से हमने फिट किया था वो सिलाई लेंगे और ये हमने ये सिलाई लेना है जहाँ पे हमने कट किया हुआ है। अब इसी को हमें जोड़ लेना है, इसमें मिला लेना है। तो वो अब हम मिला लेते हैं। इस टाइप से पूरे को गोल गोल घुमा के जोड़ लेते हैं। तो हम सारे को सिलाई लगा लिए हैं। देखिए इस तरीके से गोल शेप में पूरा लग गया इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो पलट कर देखते हैं कैसा बनेगा। तो इस टाइप से ये बन चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए कितना अच्छे से ये लग गया। अब हमें क्या करना है, इस पर ये वाले को फ्लावर को लगाना है। ये देखिए इस टाइप से बहुत अच्छा लग चुका है। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब चाहे तो फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं, चाहे तो सुई से टांग भी सकते हैं। तो हम सुई से या फैब्रिक ग्लू से कुछ से भी लगा कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप से हमने फ्लावर को लगा लिया है। तो चलिए अब इसको हम सो करके दिखाते हैं। हमने सो कर दिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बनने के बाद हमने पूरा स्टिचिंग करके मैंने सो करके दिखा दी। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप से लग रही है, ये बहुत ब्यूटीफुल फ्रॉक लग रहा है। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमने रेड कलर के साटन के कपड़ा से हमने पूरे में पाइपिंग किया है नीचे, और ऊपर हमने एक फ्लावर बनाकर लगाया है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है इसका कटिंग और स्टिचिंग आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, समर के लिए ये बहुत अच्छा है। ये शिफॉन का फैब्रिक है, आप देख सकते हैं, ये एकदम कंफर्टेबल है। हमने नीचे अस्तर नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर अस्तर लगाया है। तो कैसा लग रहा है इसका कटिंग और स्टिचिंग, आप हमें ज़रूर कॉमेंट कीजिए, बताइए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी ही रिप्लाई देती हूँ। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मान्य रखता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।